हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में देखने वाले हैं टाटा पंच के न्यू इंजन वर्सेस ओल्ड इंजन का कंपैरिजन, कि पहले और अब में कितना क्या आवाज में फर्क हुआ है, या जो वाइब्रेशन है उसमें कुछ फर्क हुआ है नहीं हुआ है। तो दोनों ही गाड़ियों का जो इंजन है वो आज के वीडियो में देखेंगे, और जिससे कि क्लियरिटी के साथ में शायद कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा कि इंजन में कितना फर्क हुआ है, क्या फर्क हुआ है, नॉइज या जो वाइब्रेशन है वो पहले से कम हुआ है नहीं हुआ है। तो भाई रोड के बिल्कुल पास में गाड़ी है, जो नॉर्मल आवाज है वो एक बार यहाँ पे आप सुन सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ। तो इस नॉर्मल आवाज से आप समझ सकते हैं कि रोड के साइड में कितनी क्या एक्स्ट्रा आवाज भी आपको इस गाड़ी में सुनने को मिल सकती है। लेकिन पर्सनली जो मैंने फील किया इस गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करके सुन के, वो भी आप लोगों से आज के वीडियो में शेयर करूंगा। तो पहले हम जो नया वाला इंजन है उसकी आवाज सुन लेते हैं स्टार्ट करके, कि कितनी इंजन नॉइज आपको आती है और कितना क्या जो वाइब्रेशन है वो इंजन में आपको दिखता है इस नए वाले इंजन में। सबसे पहले देखते हैं हम, तो भाई आइडल कंडीशन में जो फोर्डिशन और इंजन का कनेक्टर है या ये जो एयर फिल्टर है वो बिल्कुल भी हिलता हुआ आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। थोड़ी सी रेस देना बाबू जी एक बार। तो भाई टाटा पंच के इस नए इंजन में स्लो रेस में हाई रेस में आपने जो नॉइज है वो देख ली, और साथ ही साथ जो वाइब्रेशन है वो भी आपने देख लिया है। अब बात कर लेते हैं टाटा पंच के पुराने वाले इंजन की, यानी कि जो अब से पहले आपको मिलता था, कि उसमें कितनी क्या नॉइज आपको मिलती है और कितना क्या जो वाइब्रेशन है वो आपको पुराने वाले इंजन में मिलता था। लेकिन ये गाड़ी रोड से काफी दूर खड़ी थी, तो जो एक्स्ट्रा नॉइज है वो भाई इस गाड़ी में आपको कम सुनाई देगी। तो भाई आइडल पोजीशन में इतनी इंजन नॉइज आपको मिलती है, और जो वाइब्रेशन है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि पुराने वाले इंजन में कितना क्या आपको मिलता था। थोड़ा सा एक बार रेस पे पैर रखो, एक दो बार बस रुक जाओ। के अलावा इंजन और फोर्डिशन का जो कनेक्टर है वो भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, चौड़ा लगा दिया गया है, ताकि ज्यादा स्टेबिलिटी भाई इंजन को कहीं ना कहीं मिल सके। तो भाई नए इंजन में जो वाइब्रेशन की समस्या है वो तो भाई बहुत हद तक सॉल्व हो गई है, क्योंकि जो एयर फिल्टर है वो साइड में फिक्स कर दिया गया, जिसकी वजह से कि जो इंजन है वो आपको बिल्कुल भी हिलता हुआ नहीं दिखता है। रही बात इंजन नॉइज की, तो जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें जो आउटर आवाज होती है उसकी वजह से भी 19-20 का जो फर्क है वो पड़ सकता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में शोरूम में जाके इस गाड़ी की आवाज़ सुनेंगे तो आवाज़ में भी पूरा जो फर्क है वो भाई आपको देखने को मिलेगा। अब वो 10% हुआ है, 15% हुआ है या 20% हुआ है, वो हर आदमी अलग अलग तरीके से देखेगा, समझेगा, सुनेगा और भाई अपना आइडिया लगाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी कहूँ तो मुझे 10 से 15% का जो फर्क है साउंड में वो भाई ज़रूर यहाँ पे लगता है। अब आप भी जब इस गाड़ी को देखेंगे तो भाई ज़रूर आप कमेंट करके बताना कि आपको नए या पुराने इंजन में कितना क्या फर्क नॉइज में लगा यहाँ पे। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।